हेलो गाइस, वेलकम टू सर्किट इफेक्ट। तो फ्रेंड, आज का जो हमारा वीडियो है ये प्लेवुड कंपनी का होम थिएटर है। ये टावर स्पीकर, इसमें दो आउटपुट स्पीकर है और एक सब ऊपर लगी हुई है। तो फ्रेंड, आज इस होम थिएटर में जो प्रॉब्लम है, इसका जो सर्किट बोर्ड है और बहुत ही बेकार तरीके से उड़ चुका है। तो आज इस वीडियो में इस सर्किट बोर्ड को कैसे रिपेयर करेंगे इसके बारे में बात करेंगे, और आपको क्या क्या करना पड़ेगा अगर आपके घर में इस तरह का प्रॉब्लम अगर होम थिएटर में हो जाता है। तो बहुत ही इजी तरीके से मैं आज इस होम थिएटर को ठीक करने के बारे में बताऊंगा, और इसमें कुछ ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होती है। अगर ये सब चारा चीज़ को अगर जो प्रॉब्लम है वो चीज़ को चेंज कर देंगे तो आपका इजीली प्रॉब्लम ठीक हो जाएगा फ्रेंड। तो ये प्लेवुड का होम थिएटर है, हमारे पास आया हुआ है, कस्टमर ने दिया है रिपेयर करने के लिए, और मैं कस्टमर से कितना कॉस्ट लिया इसके बारे में सारा चीज़ इस वीडियो में बताऊंगा। अगर कोई भी दुकान पर रिपेयर करने के लिए देते हैं तो कितना तक आपका कॉस्ट ले सकता है वो मैं आज इस वीडियो में जानकारी दूंगा फ्रेंड। तो चलिए आगे इस वीडियो में आपको दिखाते हैं, तब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ऐसे ही लेटेस्ट वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए ताकि आप देख पाएंगे ऐसे लेटेस्ट वीडियो। और यहाँ पर देखिए होमिंग भी कर रहा है, लाइन आ रही जा रही है और कुछ अलग तरह का होमिंग भी आ रही है। अगर इस तरह से होम थिएटर आपका कर रहा है तो कैसे प्रॉब्लम को ठीक करेंगे आज इस वीडियो में पर आपको दिखाएंगे खोल के कि इसके अंदर क्या प्रॉब्लम हुई है। तो इजीली कोई भी ठीक कर सकता है, और अगर किसी दुकान में रिपेयर करने के लिए देते हैं तो इसमें कॉस्टली खर्चा जो आ सकता है 200-250 रुपया तो सामान के लग जाएगा। तो 350 या 400 रुपये के आसपास, मैं इसको रिपेयर करने के लिए 400 रुपये लिया हूँ, 350 में भी हो ही जाता है, लेकिन आप अपने हिसाब से कोई कॉस्ट ले सकता है। तो चलिए, यहाँ पे बोर्ड में दिख रहा है आपका साफ साफ दो कैपेसिटर उड़ी हुई है, एक आईसी जल गई है या एक दो आईसी का प्रॉब्लम और भी हो सकता है, तो जिसके कारण से मैंने इतना लिया। और कुछ कुछ चीज़ उड़ गया जिसका वैल्यू भी नहीं पता चल रहा, तो यहाँ पे वैल्यू हमने पता किया बहुत खोजने के बाद, एक के मुझे कैपेसिटर का ढक्कन मिला अंदर से, तो मुझे वैल्यू पता चल गया। या 19-20 भी आप लगा सकते हैं, बट जो एक्यूरेट वैल्यू रहता है वो लगने से आवाज़ क्वालिटी जो है वो पहले के जैसे ही रहेगा। यहाँ पर देखिए मुझे मिला कैपेसिटर का ये ढक्कन जो उड़ गया था, तो ये प्रॉब्लम हो गया था। ये प्रॉब्लम किस कारण से आया ये भी रीज़न मैं बताऊंगा फ्रेंड। एक रीज़न है फ्रेंड, घर का हाई वोल्टेज होने के कारण से इस होम थिएटर में जो प्रॉब्लम है फ्रेंड, घर का वोल्टेज हाई होने से यहाँ पर ये प्रॉब्लम आया है। और एक रीज़न और मैं दिखाऊंगा, उस रीज़न से भी यहाँ पे प्रॉब्लम कैपेसिटर का वोल्टेज हाई हो जाता है और सर्किट बोर्ड का जो वोल्टेज वो हाई होने से इसका जो है ख़राब हो सकता है, कैपेसिटर फूट सकता है। तो यहाँ पे हमारा जो है ये ट्रांसफार्मर लगा हुआ, ट्रांसफार्मर का जो ये वायर है, इस वायर में भी डिफॉल्ट होने से आपका सर्किट बोर्ड ख़राब हो सकता है। तो जब भी ऐसा प्रॉब्लम को सॉल्व करें तो यहाँ पर वायर को चेक कर लें, एक्यूरेट वोल्टेज जा रहा है कि नहीं आपका, ये एक्यूरेट वोल्टेज चेक कर लेंगे तभी जाके आप कैपेसिटर को चेंज करेंगे, नहीं तो आप बार बार कैपेसिटर लगाओ और बार बार आपका जो कैपेसिटर विस्फोट होते रहे। तो ये जो तीन वायर है आप ट्रांसफार्मर का, ये तीनों वायर को चेंज कर देंगे मेरे हिसाब से, उसके बाद कैपेसिटर चेंज करेंगे जो कि मैं आगे वीडियो में दिखाऊँगा करके। और ये हमारा 4725 क्यूएफ का कैपेसिटर है, इसको चेंज करेंगे। और ये हम कैल्ट्रॉन कंपनी का लगाऊंगा जो कि बहुत ही अच्छी क्वालिटी का माना जाता है ब्रांड में। यहाँ पे दो कैपेसिटर नेगेटिव एंड पॉजिटिव इसमें दिया हुआ, या अर्थात जैसा कैपेसिटर खोलेंगे वैसे ही यहाँ पे लगाएंगे, जैसे कि अभी नेगेटिव एंड पॉजिटिव कुछ इस तरीके से मैंने इसको निकाला, सेम इसी तरीके से यहाँ पर लगाएंगे। तो चलिए फ्रेंड, मैं यहाँ पर न्यू कैपेसिटर को डालेंगे, ये हमारा न्यू है कैल्ट्रॉन कंपनी का, ये कैल्ट्रॉन का ही सबसे हाई क्वालिटी का कैपेसिटर माना जाता है 4725 के आसपास में। तो चलिए मैं यहाँ पे कैल्ट्रॉन का कैपेसिटर को डालेंगे दोनों का दोनों, और एक यहाँ पे उड़ा हुआ 100 में 50 वोल्ट का है, वहाँ 150 वोल्ट का भी वहाँ पे एक लगेगा जो कि वैल्यू मुझे पता चल गया। तो चलिए मैं यहाँ पे 4700 का यहाँ पे मैंने लगा लिया दोठो, और एक 100 वोल्ट का भी यहाँ पर लगा लूँगा, ये हमारा कैपेसिटर है तो इसको भी यहाँ पर लगा लेते हैं कैपेसिटर। और ये दोनों कैपेसिटर का नेगेटिव पॉजिटिव देख लीजिएगा, तो मैं यहाँ पे कैपेसिटर को भी लगा लिया दोनों का दोनों। तो ये 4700 हैवी बहुत ही अच्छी क्वालिटी का कैपेसिटर मैंने लगा दिया, तो कि और ही अच्छा
क्वालिटी पावर सप्लाई मिल सके। तो चलिए मैं यहाँ पे आईसी को भी निकाल लिया हूँ और यहाँ पे आईसी को चेंज कर रहा हूँ। वीडियो में नहीं दिखा पाया कि आईसी कैसे खोला, कैसे क्या किया, उसके बारे में रिलेटेड वीडियो देखना है तो हमारे चैनल में जाकर देख सकते हैं आईसी को कैसे खोला जाता है और कैसे आईसी को चेंज किया जाता है। मैं यहाँ पे प्रॉब्लम को सॉल्व करने के बारे में इस वीडियो में बता रहा हूँ। तो यहाँ पे बाकी आईसी को भी चेक किया, वो सही है, लेकिन यहाँ पे ये जो दो आईसी है, यहाँ पे चार आईसी वाला में दो आईसी, ये सब बूफर के लिए आईसी यहाँ पे लगी हुई है। तो यहाँ पे सब बूफर के लिए अगर आईसी है तो दोनों का दोनों आईसी चेंज करेंगे। अगर ये एक आईसी चेंज करते हैं तो आपका सब बूफर का आवाज़ क्वालिटी हमेशा ख़राब आते रहेगी। तो यहाँ पर दोनों का दोनों आईसी मैं यहाँ पर चेंज करूँगा। तो चलिए यहाँ पे दोनों का दोनों आईसी को चेंज करेंगे, उसके बाद यहाँ पे सब ऊपर का साउंड क्वालिटी बहुत ही अच्छी आने लगेगी। तो मैं यहाँ पे दोनों का, ये देखिए एक आईसी हमारा ये पूरा विस्फोट हो चुका था, तो इस आईसी को और एक और आईसी, दोनों का दोनों आईसी मैं यहाँ पे चेंज कर लिया। आईसी कैसे चेंज करते हैं उसका वीडियो आप हमारे चैनल में जाकर देख सकते हैं, फिलहाल मैं इस वीडियो में नहीं दिखा पाया। तो आईसी का प्रॉब्लम था, यहाँ पे आईसी को चेंज कर लिया दोनों का दोनों। अगर कुछ भी समझ में नहीं आता है फ्रेंड, तो तीनों का तीनों और चारों का चारों आईसी आप चेंज कर सकते हैं अगर चेक नहीं कर पाते हैं तो। और ऐसे रिलेटेड वीडियो देखना है तो हमारे चैनल पे वीडियो बहुत सारा बने हुए हैं जिससे कि आईसी को चेक करके कैसे सॉल्व किया जाता है कि आईसी को कौन सही है या कौन सा ख़राब है उसके बारे में। तो फ्रेंड आज का वीडियो यही था, तब तक के लिए बाय। फिर से एक नया वीडियो और ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ फिर से मिलते हैं फ्रेंड। ये हमारा होम थिएटर पूरा चालू हो गया है और पूरा कंप्लीट हो गया। प्रॉब्लम जो था मैं आपको सारा चीज़ बताया। Hey, 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 hey